आपके फेवरेट सीरियल गोमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब देखने को मिलने वाला है कि अब किस तरह से विराट को उसकी बेटी ही पापा कह के पुकारेगी। गलती से आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है 8 साल का लीप। एक तरफ जहां पर सही अपनी बच्ची को पाल रही है और दूसरी तरफ विराट और पत्र लेकर और पूरा परिवार विनायक को पालते नजर आएगा। अब विनायक को सही जाते गिरते गिरते विनायक को तो बचा जाती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाती। देखने को मिल रहा विराट उसे काफी बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खाई में गिर जाती है। देखने ये को मिलेगा। इसी के बाद 8 साल का लीप आता है और यहाँ पर दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके हैं। सही प्रेग्नेंट थी, इस बात का खुलासा उसके बाद ही होने वाला है। अब यहाँ पर वो छोटी सी नन्ही सी अब सवी, जो कि अब विराट और उसी की बेटी है, वो अब यहाँ पर इंस्पेक्टर बनने की यानी कि विराट की तरह बनना चाहती है। तो दूसरी तरफ उनका बेटा विनायक डॉक्टर यानी कि सई की तरह बनना चाहता है और उसने सारी को जो क्वालिटीज है विनायक में सई की है और सभी में विराट की छवि दिखती है और उन्हें याद दिलाती रहती है। तो वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर विनायक की और सभी की दोनों की स्कूल सेम ही होगी और वहीं पर विराट और सभी की मुलाकात होगी। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर उसकी अब आगे की पढ़ाई के लिए अब सही लौटेगी फिर से नागपुर और उस वहीं पर अब उनका मिलन देखने को मिलने वाला है। दोनों ही बच्चों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। विराट यहाँ पर विनायक को लेने स्कूल पहुँचेगा और वहाँ पर उसे ऑफिसर की यहाँ पुलिस की वर्दी में देखकर वो बच्ची काफ़ी खुश हो जाती है और वो उन्हें कह कहती है विराट सर कह के पुकारती है और देखने को मिलेगा उसमें भी सही जैसी झलक देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। वो यही कहती है कि वो भी उनकी तरह IPS ऑफिसर बनना चाहती है और यहाँ दूसरी तरफ विनायक कहता है कि लेकिन मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी क्यूट सी नोकझोंक भी देखने को मिलने वाली है और विराट इन दोनों के बीच की नोकझोंक को सुलझाते नजर आएगा और सई सभी को लेने पहुंचेगी और वहीं पर विराट उसे देखकर शॉक्ड रह जाएगा, लेकिन सई उसे नहीं पहचानेगी। लेकिन यहाँ विराट को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है और उसके जिंदा होने का सच जब विराट घर पर आकर बताएगा तो सब शॉक्ड रह जाएंगे। तो काफ़ी कुछ दिलचस्प होने वाला है किस तरह से अब विराट सई के बारे में पता करने की कोशिश करेगा और पता चलेगा कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसके बाद भवानिका को फैसला करेगी कि सई को और उस बच्ची को हम वापस हमारे घर लेकर आएंगे।